द वोल्वरीन मूवी में हमें जो बुलेट ट्रेन फाइट देखने को मिलती है, तो एक्चुअल में इस पूरी फाइट को ग्रीन स्क्रीन के सामने परफॉर्म किया गया है, जिसको फिल्मिंग सेट पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे शूट किया गया था। बट मूवी में हमें इस फुटेज को बढ़ाकर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दिखाया गया है, यानी सीन की एक्चुअल स्पीड से 5 गुना, ताकि मूवी में ऐसा लगे कि ये फाइट बुलेट ट्रेन पे ही हुई है। एंड ट्रेन के आउटर एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए VFX टीम ने इसका अलग से फुटेज रिकॉर्ड किया था गूगल स्ट्रीट व्यू मेथड का यूज करके, एंड देन इस फुटेज को ग्रीन स्क्रीन के साथ कंबाइन करके इस पूरे बुलेट ट्रेन सीन को क्रिएट किया गया है। और इस वीडियो में तुम्हें द वोल्वरीन मूवी के कुछ ऐसे कमाल के बिफोर एंड आफ्टर CGI एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। लाइक मूवी में हमें जिस सिल्वर समुराई को दिखाया जाता है, तो इस सिल्वर समुराई रोबोट का एक 9 फुट बड़ा प्रैक्टिकल सेट पीस तैयार किया गया था, जिसको बनाने में 600 पार्ट्स लगे थे। बट ये सिर्फ एक 100 पीस था, जिसको रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है, क्योंकि सिल्वर समुराई वाले सभी सीन्स एक स्टंटमैन ने मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किए थे। किसी एक सीन में प्रैक्टिकल सेट पीस का यूज किया गया है। मूवी का ये सीन जब लोगों ने अपने अंदर से इस वायरस को निकालने के लिए अपने पेट को चीरता है, तो स्पेशलिस्ट कट पार्ट के लिए एक सिलिकॉन चेस्ट प्रोस्थेटिक तैयार किया गया था, ताकि मूवी में इस कट पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जा सके। अब मर जाएंगे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरी बात सुनिए लोगन, ऐसा मत कीजिए। एंड सिमिलरली एक्सप्लोजन के बाद जब लोगों की इस क्रिस्पी बन बॉडी को दिखाया जाता है, तो इस सीन के लिए भी स्पेशली ये बन मेकअप तैयार किया गया था, जिसे ह्यू जैकमैन की बॉडी पे लगा के इस सीन को परफॉर्म किया गया है, और फिर बाद में लोगों की हीलिंग को दिखाने के लिए ही CGI का यूज किया गया है। और ही नेक्स्ट डिटेल इस मूवी की सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल है। तो मूवी की शुरुआत में लोगन इस तड़ते हुए बालू को मारता है, तो इसे एक्चुअल में क्रिएट किया गया था, जो कि 12 फुट बड़ा एक एनिमेट्रॉनिक बियर है। इसमें इस बालू का सिर, दांत और इसके पंजे, तो ये सब कुछ प्रोस्थेटिक एंड क्ले की मदद से तैयार किए गए थे। और इस सीन में दिखाई गई बालू की आईज एंड हेड मूवमेंट्स टोटली रियल हैं, विदाउट एनी CGI, जिसे मूव करने के लिए 3 लोगों की मदद लगती थी। एंड अगेन निक, डू इट अगेन। बट इसका ऑपोजिट डे टाइम में हमें जो बालू दिखाया जाता है, तो ये टोटली CGI है, जो कि इसी वाले बालू पर बेस्ड था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस भालू को इतनी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया है। जापान के जितने भी सीन्स हैं, मोस्टली आउटडोर सीन्स, तो इन्हें एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया गया है, ताकि जापान की ऑथेंटिसिटी को दिखाया जा सके। We filmed in Japan to make sure the movie looked authentic, that we actually had Japanese structure and architecture and people that would bring the movie alive and make it real. और इसके साथ साथ जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से मूवी के लिए कुछ फिल्मिंग सेट भी बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, याशिदा हाउस, जो की मोस्टली एक प्रैक्टिकल सेट पीस है। मूवी में हमें जो हाईली एडवांस पिन पैड देखने को मिलता है, तो उसका भी एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया था। इसमें 100-200 से भी ज्यादा पिन्स थी। एंड द आइडिया इज दैट दिस पिन बेड कैन सेंस यू एंड सेंस ऑलमोस्ट रीड योर माइंड एंड देन इट मैनिपुलेट्स लाइक अ पिन कुशन टू रेज यू अप इनटू डिफरेंट पोजीशंस। और इस मॉडल पर बेस्ड मूवी के लिए डिजिटल पिन पैड को क्रिएट किया गया है। मूवी में दिखाए गए आइस विलेज, जहाँ पे वोल्वरीन निंजा से लड़ता है, तो उस पूरे विलेज और इसमें दिखाए गए सभी घरों को प्रैक्टिकली बनाया गया था स्पेशलिस्ट फाइट सीन के लिए। It wasn't easy recreating a mountainous snow village exterior at night, but it looked pretty good. और यहाँ पे जब ये सभी निंजास वोल्वरीन के कमर में बहुत सारे तीर मारते हैं, तो फिल्मिंग के टाइम इस सीन में 3 से 4 प्रोप एरोस का यूज किया गया था, एंड देन बाकी के एरोस को CGI से एड किया गया है।
पूरी मूवी में लोगन को उसके ख्यालों में जीन ग्रे बार बार दिखती है, जो कि लोगन की लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। और अपने इन सभी छोटे छोटे से कैमियोस को एक्ट्रेस फेम के जेंसन ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही शूट किया था। आई लव यू जीन। हमेशा करता रहूंगा। वेल तो इस मूवी में हमें एक्टर ह्यूज जैकमैन की भी एक बॉडी देखने को मिली थी, और अपनी इस बॉडी को बनाने के लिए इन्होंने ड्वेन जॉनसन को कॉन्टेक्ट किया था, और फिर द रॉक ने ह्यूज जैकमैन को 1 हफ्ते में 1 पाउंड वेट गेन करने के लिए कहा था लगातार 6 महीने तक, जिस दौरान इन्होंने हर दिन 6,000 कैलोरीज कंज्यूम की थी। और स्पेशली अपने शर्टलेस सीन से पहले इन्होंने डिहाइड्रेशन डाइट भी की थी। इसमें इस सीन की फिल्मिंग से 36 घंटे पहले तक ह्यूज जैकमैन ने किसी भी तरीके कोई भी लिक्विड कंज्यूम नहीं किया था, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी मसल्स, इनकी बॉडी टाइटन अप हो सके। और इनका ये सारा हार्ड वर्क हमें इस सीन में देखने को मिला है, विच इज ऑसम। और ऐसे लोगन मूवी के फैक्ट्स एंड बिफोर एंड आफ्टर सीजीआई सीक्रेट्स जानने के लिए तुम मेरी इन 2 वीडियोस को देख सकते हो, जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे।